Hello students, how are you? I hope you all are fine at home. In previous classes, we already discussed about whole numbers. In this class, we are going to learn about the properties of operation on whole numbers. Different properties of operation on whole numbers. First, we discuss about closure property. What is closure property? A set is closed under an operation when the result of the operation on any two member in the set is also in that set. अगर देखो इसका मतलब क्या है, ये closure property ये कहता है कि अगर a कुछ दो element होगा a and b, ये दो element एक set का होगा, okay? कोई एक set का कोई भी element अगर लेंगे, अगर उनके बीच में अगर हम कुछ ऑपरेशन करेंगे जो रिजल्ट आएगा जो वो भी उसी सेट में ही होना चाहिए. इसका मतलब जैसे देखो, इफ टू इज ए होल नंबर एंड थ्री इज आल्सो ए होल नंबर, इफ वी डू ऑपरेशन हियर एनी ऑपरेशन दैट इज इफ वी डू प्लस वी गेट फाइव, फाइव इज आल्सो ए होल नंबर, देन इट इज क्लोज्ड अंडर this operation or not. This is the closure property. Closure property ये कहता है कि अगर a b एक set के अंदर रहते हैं, इसका मतलब अगर हम कोई भी operation करेंगे उसके बीच में, वो operation का जो result आएगा वो भी वही set में ही होना चाहिए. अगर नहीं हुआ तो वो not satisfy this closure property. Okay, next one is commutative property. Commutative property, an operation is commutative if you can change the order without affecting any result. Okay, अगर कोई भी two element होगा, उनके बीच में अगर हम कुछ operation करेंगे, जितना result आएगा, अगर उनका order भी change कर देंगे तो result same ही आएगा. जैसे देखो, 2 and 3, टू होल नंबर, इन दोनों के बीच हम ऑपरेशन करेंगे, कितना रिजल्ट आया, प्लस ऑपरेशन करके 5 आ गया. अगर देखो इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, पहले 3 का रखेंगे उसके बाद 2 को रखेंगे, आंसर कितना आ गया, फिर 5 आ गया. तो ये क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इट सैटिस्फाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ऑर्डर चेंज करने से भी उसका वैल्यू को कोई अफेक्ट नहीं होगा. जैसे कि this is Ram's house, this is Shyam's house, ये राम का घर है, ये श्याम का घर है. अगर इसके बीच में राम के घर से श्याम का घर 5 किलोमीटर अगर होगा, तो श्याम से घर से राम का घर का कितना दूरी होगा, वो भी 5 किलोमीटर ही होगा. देखो कुछ अफेक्ट हुआ क्या, नहीं ना, क्या हुआ, सेम ही. अगर राम के घर से श्याम का घर कितना डिस्टेंस है पूछे, जितना आंसर आएगा. अगर तुम्हें कोई पूछेगा श्याम की घर से राम की घर का दूरी कितना है, तो आंसर 5 आया. तो ऑर्डर चेंज कर दिया हम, इससे इसका दूर कितना है, यहां से यहां तक दूर कितना है, क्या हो गया, आंसर वही आंसर आया. दैट इज आवर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. Another one is associative property. If we do the operation any three or more numbers, then the result is same, irrespective of how the numbers are placed or grouped. अगर हम देखो कोई भी three numbers का operation करेंगे, क्या हो रहा था ये, अगर answer same होगा, यदि हम उसका किसी प्लेस का प्लेस चेंज करेंगे तभी भी अगर उसका आंसर सेम आया, या उसका ग्रुपिंग करेंगे अलग अलग ग्रुप में रखेंगे फिर भी अगर आंसर सेम आया, तो समझो कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है. एग्जांपल देखो, अगर ए बी, डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं, अगर देखो 2, 3 and 5 था हमारे पास, ये तीनों होल नंबर है, इन तीनों को लेकर हम एक ऑपरेशन करेंगे. देखो 2 plus 3 plus 5 कर देंगे, क्या होगा, 2 plus 3 कितना है, 5, 5 plus 5 that is equal to
टेन आया। तो नेक्स्ट में ये तीनों भी लेकर और एक बनाना है हमें ग्रुपिंग। देखो टू को एक पहले रख देंगे, उसके बाद थ्री प्लस फाइव करेंगे, ग्रुपिंग चेंज हो गया, उसका प्लेस सब देखो ऑर्डर सब चेंज हो गया। क्या होगा भाई, देखो टू प्लस एट आंसर इज सेम, उसका ग्रुपिंग चेंज करने से भी आंसर सेम आया। दिस इज आवर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ वी डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। फर्स्ट वी चेक क्लोजर प्रॉपर्टी। लुक एट हियर, टू इफ टू इज ए होल नंबर एंड थ्री इज ए आल्सो ए होल नंबर, इफ वी डू ऑपरेशन एडिशन टू प्लस फाइव दैट इज इक्वल टू फाइव, इट इज आल्सो ए होल नंबर। हमें क्या देखे, इफ ए इज ए होल नंबर एंड बी इज ए होल नंबर देन ए प्लस बी इज आल्सो ए होल नंबर, हुआ कि नहीं। इट मीन्स एडिशन ऑफ होल नंबर इज क्लोज्ड ऑपरेशन, एडिशन ऑफ होल नंबर इज ए क्लोज्ड ऑपरेशन। नाउ वी चेक सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर देखो थ्री इज ए होल नंबर एंड टू इज आल्सो ए होल नंबर, इफ वी डू सम थ्री प्लस टू, थ्री प्लस टू दैट इज इक्वल टू, इफ वी चेंज द ऑर्डर टू प्लस थ्री, थ्री प्लस टू था अब टू प्लस थ्री रखेंगे, आंसर कितना आया, आंसर फाइव ही आ गया। इसका मतलब क्या समझे, दोनों का ऑर्डर चेंज करने से भी वैल्यू सेम ही आता है एडिशन में। ओके देखो इधर फाइव प्लस जीरो, हम देखेंगे जीरो प्लस फाइव, पहले जीरो को लेंगे जीरो प्लस फाइव, फिर भी हमारा आंसर फाइव आ गया। इसका मतलब यहां पर भी हम ऑर्डर चेंज कर दिए लेकिन वैल्यू चेंज नहीं हुआ। इट मींस इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स देन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, तो हम इसे कहते द एडिशन ऑफ टू होल नंबर्स इज कम्यूटेटिव, एडिशन ऑफ टू होल नंबर इज कम्यूटेटिव। नाउ थर्ड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, पार्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इफ फोर इट इज ऑलरेडी फोर, हियर देखो फोर थ्री फाइव आर थ्री होल नंबर, फर्स्ट वी एड फोर प्लस थ्री देन वी एड फाइव, क्या ये इसके बराबर आता है, फोर प्लस थ्री प्लस फाइव, क्या ये दोनों सेम है? हम ऑर्डर चेंज कर देखो, ग्रुप चेंज कर दिए, पहले फोर थ्री को एक ग्रुप में रखे फिर क्या करिए थ्री फाइव को एक ग्रुप में रखे, क्या ये सेम होगा? देखो एलएसएस चेक करेंगे, फोर प्लस थ्री दैट इज इक्वल टू सेवन प्लस फाइव दैट इज इक्वल टू ट्वेल्व, अभी सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व आ गया, एलएसएस ट्वेल्व आ गया। अब चेक करेंगे आरएचएस, फोर प्लस थ्री प्लस फाइव, फोर को थ्री प्लस फाइव के साथ एड करेंगे, फोर प्लस थ्री प्लस फाइव कितना है एट, दैट इज फोर प्लस एट दैट इज इक्वल टू ट्वेल्व, आंसर सेम आया दैट इज ट्वेल्व। देखो ऑर्डर चेंज कर दिए, ग्रुपिंग चेंज कर दिए, फिर भी आंसर कितना आया सेम दैट इज ट्वेल्व आ गया। इफ ए हम क्या समझे, इफ ए बी सी आर एनी होल नंबर्स देन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, अंडरस्टैंड? इट मीन्स द एडिशन ऑफ होल नंबर इज एसोसिएटिव, एडिशन ऑफ होल नंबर इज एसोसिएटिव। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। लुक एट हियर, फोर प्लस जीरो इक्वल टू फोर, में अगर हम जीरो एड करेंगे कितना होगा फोर, अगर जीरो में फोर एड करेंगे तो भी आंसर हमारा फोर आएगा। एंड नेक्स्ट देखो फिफ्टीन के साथ अगर जीरो एड करेंगे फिफ्टीन आया, जीरो के साथ अगर फिफ्टीन एड करेंगे आंसर फिर भी फिफ्टीन आया। इसका मतलब हम क्या समझे, अगर कोई भी नंबर के साथ जीरो एड करेंगे तो वो नंबर चेंज नहीं होता है, या कोई भी नंबर जीरो के साथ ऐड करेंगे तो फिर भी वही नंबर वही का वही ही रहता है। इट मींस इफ वी ऐड जीरो विथ एनी नंबर वी गेट द नंबर इटसेल्फ। ओके देखो अगर थाउजेंड के साथ अगर हम जीरो ऐड करेंगे तो हमें थाउजेंड ही मिलेगा। ओके तो जीरो क्या होता है, अगर हम जीरो एड कहीं किसी भी नंबर के साथ अगर जीरो एड करेंगे तो वो नंबर अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करता है, दैट्स व्हाई जीरो इज द
आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट आल्सो जीरो, आल्सो जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी. क्या है एडिटिव आइडेंटिटी? क्यों ये आइडेंटिटी? अगर जीरो किसी के साथ भी एंड करते हैं हम, तो वो नंबर खुद का आइडेंटिटी लूज नहीं करता है. दैट्स व्हाई जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी. दिस इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट. नाउ टेल मी फर्स्ट वन, 1005 प्लस 283 इक्वल टू डैश प्लस 1005. क्या होगा? 1005 प्लस 283 इक्वल टू डैश प्लस 1005. हम पढ़े थे एडिशन इज कम्यूटेटिव. अगर हम उसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो आंसर सेम ही रहेगा. तो क्या होगा आंसर? 1005 प्लस 283 प्लस 1005. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 5832 प्लस 0 इक्वल टू डैश 5832 प्लस 0 इक्वल टू 5832. आंसर वही का वही होगा, क्योंकि 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. 0 अगर किसी के साथ अगर हम ऐड करेंगे तो वो अपना वैल्यू लूज नहीं करता है नंबर. ओके, अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करता है. दैट्स व्हाई 0 इज द एक्टिव आइडेंटिटी. ओके, नाउ 12345 प्लस 679 प्लस 321 दैट इज इक्वल टू डैश प्लस 679 प्लस 321. क्या होगा? देखो पहले ये ग्रुप था, अब इसका एक ग्रुप बनाएंगे. है कि नहीं? हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पढ़े थे, अगर ग्रुप चेंज होगा फिर भी उसका आंसर चेंज नहीं होगा. तो क्या होगा आंसर बेटा? 12345. आज हम डिस्कशन किए डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स. ओके, क्या क्या पढ़े? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट टुडे. दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास.